लीजिए, हाजिर हैं कुछ कोटेशंस, कुछ कहानियां लिए हुए। क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ द परमानेंट एंड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए विगरस माइंड। तजस्स है एक दायमी खासा एक चाको चौबंद जहन का। मेन आर लाइक वाइन, सम टर्न टू विनेगर, बट द बेस्ट इम्प्रूव विद द एज। आदमी होते हैं शराब की मानद, कुछ रह जाते हैं महज सिरका बनकर, और कुछ उम्र के साथ होते जाते हैं बेहतर। मैरिज इज नॉट जस्ट स्पिरिचुअल कम्युनियन, इट इज आल्सो रिमेम्बरिंग टू टेक आउट द ट्रैश। अज़दवाजी जिंदगी में काम नहीं बनता, रूहानी रफाकत से फकत हाथ भी बटाना पड़ता है रोजमर्रा के कामों में। अब आखिरी, ए पर्सन विदाउट ए सेंस ऑफ ह्यूमर इज लाइक ए वैगन विदाउट स्प्रिंग्स। It is jolted by every pebble on the road. जिस शख्स में नहीं जौके मजा, वो है बेकमानी छकड़े जैसा। हर पत्थर हर कंकर सड़क का देता है उसे शदीद झटका। पसंद आए हजूर? अब मैं लिखता हूँ क्या? हाँ, ये है कहानी, इसकी है ये मोपासां की। कब्रिस्तान के शिकारी, तर्जमा बलवंत सिंह आंसू। चढ़ा कर फूल में चलने ही वाला था कि देखी साथ वाली कब्र पर एक हसीना, दूरी हुई थी शायद गम की वजह से। चेहरा लिया हुआ था हाथों में, लर्जिश थी हल्की हल्की पीठ में, ले रही हो सिसकियां जैसे। हटाए हाथ चेहरे से तो नजर आई बंद आंखें आंसुओं से भरी हुई। देखा इधर उधर जैसी जागी हो ख्वाब से, मुझे देखा फिर ढक लिया चेहरा। सुबकियां भरने लगी, कब्र पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। रुमाल से हवा दी मैंने, होश में लाया, पड़ा कुतबा, कैप्टन कैरल जंग में मारा गया। उसने शुक्रिया अदा किया, बताया मैं नसीबों जली हो गई बेवा, एक साल में सहारा दिया उठाया, ले गया एक करीबी रेस्तरां में, कहा निकल जाता है रोना मेरा, माफ कीजिए, अकेली रह गई हूँ दुख उठाने के लिए। नहीं कोई जहां में जिसे चाहूं राजे राज और विनार की बातें करूं। मैंने पेशकश की कि उसे घर तक छोड़े आऊं, फिर शुक्रिया किया, मैं साथ हो लिया। उसका कमरा था चौथी मंजिल पर, सहारा दिया ले गया ऊपर। बजिद हुई के पीकर जाऊं चाय की एक प्याली। गमजदा थी मगर दिलकश लग रही थी। जब उसका हाथ अपने
अपने हाथ में लिया तो कंधे से आ लगी, ले लिया उसे फिर अपनी बाहों में, परे हटने की उसने कोशिश न की। बात आगे बढ़ी, बढ़ती गई, अलकिसा हो गया हमारा मुआशका। मैं जाता तो ले जाता कोई तोहफा, बहुत जल्दी मैंने उसे लालची पाया। इस रिश्ते को उस्तवार न बनाना चाहता था, किनारा किसी को बेहतर जाना, बहाना बनाया शहर से बाहर जाने का। चंद रोज बाद एक ख्याल आया, उसी कब्रिस्तान में जाने लगा। चौथे रोज नजर आई वही उसीना, एक और कब्र पर झुकी हुई, लर्जिश थी पीठ में हल्की हल्की। एक नजदीकी कब्र पर एक नौजवान को पाया, फिर देखा वही गमजदा चेहरा, वो आंखें भरपूर आंसुओं से, वही बेहोशी, वही दिलासा नौजवान का। लिए जा रहा था नौजवान दिए हुए सहारा, सोचा उसको मिल गया शिकार नया। करीब जाकर पढ़ा कुतबा, आज बेवा बनी थी किसी जेम्स बर्नर्ड की। दिल में ठान ली के मिलेगी जब अकेली, तो एक मशवरा दूंगा उम्दा, कि बन सकती है आला अदाकारा और कर सकती है बेहतर इस्तेमाल अपने हुनर का।